हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं, जो इसकी लास्ट वीडियो थी, जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था मेरा डरावना एक्सपीरियंस। शुरुआत करते हैं। तो जब मेरी फ्रेंड के साथ वो हादसा हुआ, जब उसे लगा कि बाल पे फूंक मारा किसी ने या उसके बाल को हल्का खींचा है किसी ने, वो मुझे देखती रही और उसने मुझे बोला, ना मुझे मैगी खाना है, ना मुझे पेप्सी पीना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे पानी भी नहीं पीना है। राज, इमिडिएटली मुझे ऑटो स्टैंड तक आप छोड़ कर के आओ, नहीं तो मैं अकेली जाऊंगी, मैं एक मिनट यहाँ नहीं रह सकती। मैं उसे ऑटो स्टैंड छोड़ कर के वापस आ गया अपने घर में। नॉर्मली अपना मैंने डिनर वगैरह लिया थोड़ी देर के बाद, जो मेरे सोने का टाइम है। उस वक्त मैं 1:30-2 बजे सो जाता था। जैसे ही जब मुझे नींद आ रही थी, मतलब उसको सब कॉन्शियसनेस वाला स्टेज होता है, एक स्लीप का कई तरह का स्टेज होता है, एक इनिशियल स्टेज होता है, एक आप कह लो कि मिडिल स्टेज होता है, और एक एडवांस स्टेज होता है जिसमें जिसको कहा जाता है बंदा पूरी नींद में। तो जब मिड स्टेज में था, मतलब मीठी मीठी सी लग रही थी कि हाँ नींद आ रही है, मुझे लगा कि किसी ने मेरा ब्लैंकेट खींच दिया। हल्का ब्लैंकेट लेकर के सोया हुआ था, चूँकि एसी चल रहा था, ब्लैंकेट किसी ने खींच दिया मेरा। उठ गया मैं। उठने के बाद वाकई में मैंने देखा कि मेरा ब्लैंकेट मेरे नी तक है। सोया नी में 1.5 घंटे। फिर मैं कंप्यूटर पर आ गया। कंप्यूटर पर आने के बाद जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसको मैं सर्व करने लगा वो सब। और उसके बाद ये सब करते करते सुबह के 5 बज गए। फिर नींद आ रही थी, उस वक्त मैं सो गया। दोपहर में मैंने गौरव भाई को सारी बातें बताई कि सर ऐसा ऐसा देखो कल रात को हुआ है। गौरव भाई आए उसी रात, मतलब सेम डे, जो सेम डे का रात होगा वो रात को आए, 10 बजे आए, पूरे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर के आए। और जैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे लाइट्स वगैरह को ऑफ करके, वैसे क्योंकि मुझे उस वक्त इतना ये सब पता नहीं था इन्वेस्टिगेशन और ये सब। हाँ, इक्विपमेंट की मुझे जानकारी थी, नॉलेज थी, लेकिन इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं मुझे ये सब उतना कुछ मालूम नहीं था। मैं देखता था गौरव भाई करते कैसे। 1.5 घंटे के बाद लाइट्स जलवाया उन्होंने। उन्होंने मुझे एक ही बात बोले कि राज भाई, एनर्जी तो है यहाँ। और लाइट जलने के बाद उन्होंने बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि चमक करके घूम करके देखना, साइड में कुछ देखा था दूसरे वाले कमरे में। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि कोई शेडो क्रॉस किया है ब्लैक सा। मैंने गौरव भाई को बोला, सर देखो मैंने तो आज तक नहीं देखा है यहाँ पे कोई शेडो या कुछ, या हो सकता है मैं देख नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने बोला ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। और अब समझ में आता है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ आपको, कि गौरव भाई ने इतना ज़्यादा अपने सेंसेस को डेवलप कर रखा था ना, कि जो चीज़ें एक कह लो कि ऑर्डिनरी आम इंसान को नहीं दिखेगा, उनको कई बार वो लोकेट कर लेते थे, उनको दिख जाता था। और इसका मैं गवाह हूँ, उन्होंने मुझे कुलधरा में भी दिखाया है सर। उंगली ही जिधर की थी और वहाँ पे ही मैंने देखा, तो वहाँ देखा कि है, मतलब बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा शेडो है, वो चल रहा था, उसके आर पार दिख रहा था। तो ये सेंसेस उन्होंने डेवलप कर लिए थे। फिर उन्होंने बोला कि अब आप इस मकान का हिस्ट्री पता करो, इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पता मैंने किया। मैंने तो इसे 2003 मतलब 2003 या 2004 में लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो काफ़ी पहले से यहाँ रह रहे हैं 40 साल 45 साल, उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं, इस घर में 1999 में एक लड़के ने सुसाइड किया था। वो IIT का एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था और उसका हो नहीं पाया था उसमें, मतलब IIT क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसने सुसाइड किया था। मुझे लगा भाई ये सीन तो नहीं है, मैंने JT को बताया। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ऑफिस से आ करके, मैं तो भी फ्री हूँ, मतलब वो कहीं मुंबई वगैरह जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए। उन्होंने कहा 2-3 दिन तो मैं ऑफिस में रहूँगा नहीं, आप इक्विपमेंट ले जाओ मेरा और जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप करो। और उन्होंने बोला राज भाई एकदम लाइटली लेना, कुछ सामान भी मूव हो जाए ना तो होने देना, मतलब आप बिल्कुल लोड मत लेना कि अरे ऐसा कैसे हो गया। मैंने किया वैसा इन्वेस्टिगेशन जैसे बताते थे, कोशिश की, मतलब उनके जैसा तो नहीं कर पाता मैं उस वक्त, या अभी भी शायद नहीं कर पाऊंगा। कहीं से भी ऐसा कोई क्लू, कोई लिंक नहीं मिला कि मैं जो सोच रहा था। देखिए ये अंधेरे में तीर मारने जैसा था, ये
कि मैं एक प्री अजम्पशन लेके चल रहा था कि हाँ उस लड़के ने यहाँ सुसाइड किया। अट्रीब्यूशन सुशांत सिंह राजपूत वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी इन्वेस्टिगेशन की, जो पहली वीडियो जो बहुत वायरल हुई थी, उसमें एक पॉइंट पे मैंने पूछा है कि क्या उनका घर, मतलब जिस घर में उनकी डेथ हुई है वो घर नहीं, एक घर उन्होंने चेंज किया था, क्या वो उनका घर हॉन्टेड था? तो उस पर एक हंसने की बहुत क्लियर सी आवाज़ आई है, एक फीमेल वॉइस है, ये मोटी ही थी, हंस रही थी, मतलब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंट है इतना, वाकई में आप हैं। तो सुशांत भाई की एक सबसे फेमस मूवी आई थी, उस मूवी का पहला कैरेक्टर क्या था? धोनी। मुझे कुछ ऐसा लगा, अब पता नहीं, ये तो मैं वीडियो में देखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत भाई को बताया गया कि वो डिप्रेस्ड हैं, जिस घर में रहते थे वो हॉन्टेड हैं। हंस रहे हैं आप, मतलब? अच्छा ठीक है, ये क्या आवाज़ आ रही है? तो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कि कभी कभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में, हालांकि इनकी बातों को मैं ज़्यादा नहीं वो करता हूँ, सीरियस लेता हूँ, वो भी बता दे रहा हूँ क्यों। अंकल ने बताया था दोस्त के जो डैड है उन्होंने, कि स्वभाव से बहुत चंचल थी है। अब ये जो चंचल होते हैं, देखिए ये इस लाइन में ये कहा जाता है, पैरा लाइन में, जो जैसा होता है ना मरने के बाद भी उसका स्वभाव वैसा ही रहता है। तो मुझे कई बार थोड़ा लगता है कि मैं कुछ पूछूँ और ये जानबूझ के शरारत से कुछ गलत बता दे मुझे, तो इसीलिए मैं इसकी बातों पर ना उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, सीरियस नहीं लेता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ चुप चुप, बीच में से बोलता हूँ मैं। गौरव भाई एक सीरियस इंसान थे, उनकी बात ही अलग है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह के पैरा पे कंटेंट्स लेकर के आता रहूं, और स्लोली मैं कुछ कंटेंट साइंस के ऊपर भी लाने वाला हूं, क्योंकि चैनल का नाम है पैरानॉर्मल एंड साइंस। साइंस की कुछ बातें होती नहीं है, जब तक इसमें साइंस की बात, स्पेस की बात अगर नहीं होगी, कभी कभी तो देखिए होनी चाहिए, स्पेस की बात होगी तो आपको पैरा के बारे में बहुत कुछ और समझ में आएगा, मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।